हैकिंग और ट्रैकिंग से बचने के लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज के दौरान आजकल हर कोई प्राइवेसी चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में किसी को पता चले। तो ऐसी स्थिति में वीपीएन आपकी हेल्प कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं कोडर बाबा। आजकल हर बंदे की अपनी एक ऑनलाइन पहचान है। ऑनलाइन बैंकिंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर्सनल फोटोज, सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि उनके पास एक सिक्योर नेटवर्क हो जिसे हैक कर पाना, ट्रैक कर पाना मुश्किल हो, ताकि उनके डेटा को, उनके इन्फॉर्मेशन को कोई लीक न कर सके, कोई हैक न कर सके। तो ऐसे में वीपीएन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है वीपीएन। अगर हम वीपीएन की बात करें तो वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसे आमतौर पर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर आपके नेटवर्क के ऊपर ऐड कर देता है जो कि हाईली इंक्रिप्टेड और सिक्योर होता है, जिसे हैक कर पाना या ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वीपीएन आपके रियल आइडेंटिटी को हाइड कर देता है और आपकी आईपी एड्रेस को भी चेंज कर देता है, जिससे कि आप इंडिया में होते हुए भी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भी कई सारी कंट्रीज के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पे आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है और आपको कोई ट्रैक भी नहीं कर पाता। वीपीएन की मदद से आप अपनी पहचान छुपा के आराम से नेट सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि क्यों वीपीएन की जरूरत पड़ती है हमें, क्या इसके फीचर्स हैं कि हमें इसे यूज ही करना चाहिए, हमें वीपीएन क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, कॉफी हाउस, साइबर कैफे, एयरपोर्ट या फिर किसी कॉलेज के कैंपस का फ्री वाईफाई यूज करते हैं, तो ऐसे जगहों पे आपके अलावा और भी कई सारे लोग यूज करते रहते हैं वाईफाई। तो हो सकता है उसमें कोई एक्सपर्ट हो, कोई हैकर हो जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को हैक कर ले, आपके एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा हो, तो हमें पता नहीं होता। तो जनरली अगर आप इन सब प्लेसेस पे हैं वाईफाई यूज कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे हैं वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो आपको वीपीएन के तहत इन सब सारी एक्टिविटीज को करना चाहिए, आपको वीपीएन यूज करना चाहिए। तो चलिए हम एक ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे वीपीएन अपनी काम को करता है और कैसे वो आपके डेटा को सिक्योर रखेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीपीएन की वर्किंग, कि कैसे वीपीएन अपना काम करता है। तो यहाँ पर दो सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना है, कम्युनिकेशन करेंगे दोनों आपस में, या फिर ये डेटा हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम ए कुछ डेटा ट्रांसफर करेगा सिस्टम बी को। तो विदाउट दी वीपीएन अगर हम ये काम करते हैं तो इस तरह से होगा, जो भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले बता दो दोनों सिस्टम के बीच में कई सारे राउटर होंगे, क्योंकि जो डेटा होगा वो कई सारे राउटर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कुछ और भी राउटर है यहाँ पे, तो कई सारे राउटर से होता हुआ डेटा जाएगा। अब ऐसे में जो पाथ होते हैं किस वे में डेटा आपका जाएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, वो एक उसके अपनी एक अलग टेक्निक है, मैं वो नहीं बताने वाला। बट यहाँ पे ये से आप ये मानिए कि जो सबसे बेस्ट होगा, जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा और सबसे बेस्ट होगा, वही पाथ सेलेक्ट किया जाएगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हम पहली बार में ये पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने एक पाथ सेलेक्ट कर लिया और इस पाथ से सिस्टम ए से सिस्टम बी के बी में डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अगर सपोज कीजिए किसी बंदे ने इस पर्टिकुलर राउटर को हैक कर लिया, ठीक है, अगर इस राउटर को उस बंदे ने हैक कर लिया तो होगा क्या कि आपका जो डेटा है इस सिस्टम से उस सिस्टम की तरफ जा रहा था, वो यहाँ पे चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा रहता है कि अगर आप डेटा को भेज रहे हैं और सडनली बीच में से किसी ने आपके डेटा को हैक कर लिया, तो इस चीज को कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक। जी हाँ, इस तरह का जो अटैक होता है उसे कहते हैं मैन इन मिडिल अटैक। वो क्या होता है कि कोई एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर राउटर को हैक कर लेता है और वहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। तो सपोज ये तो है कि जब आप वीपीएन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब क्या इसकी जो एक्टिविटी होती है। अब अगर इसमें वीपीएन होता तो क्या होता, तो हम इस मैन मिडिल अटैक को वीपीएन के थ्रू रोक सकते हैं। सपोज मैं वीपीएन सर्विसेज को यूज़ कर रहा हूँ और उसके तहत मैं डेटा को ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो होगा क्या, सपोज वो वीपीएन होता है, जब वो कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाती है, तो सबसे पहले जब वो कनेक्शन स्टेबलाइज होता है तो वो एक टनल क्रिएट कर लेता है। टनल में वो एक सुरंग या एक पाइपलाइन, सिक्योर पाइपलाइन क्रिएट कर लेता है जो कि हाईली इंक्रिप्टेड होता है और सिक्योर होता है। तो सपोज ये अगर वीपीएन है तो ये क्या करेगा, ये पहले एक सुरंग बना लेगा यहाँ पे,
ये जो है ये है एक टनल है, ये टनल या एक सुरंग कर सकते हैं, और ये हाईली सिक्योर होता है, और इसके अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो इस तरह से मूव करेगा। अब इसमें क्या है कि आपका जो डेटा होगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो काफी सिक्योर होगी, और जब तक कोई इस टनल को हैक नहीं करता तब तक वो आपके इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर सकता। और वीपीएन की सबसे जो बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि सपोज अगर कोई यहाँ पे कोई हैकर है और वो इस टनल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, इस टनल की सिक्योरिटी, ये जो टनल है ये जो सुरंग है इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपके डेटा तक पहुँच सके, तो जैसे वो इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, सपोज उसने यहाँ पर एक सुरंग, यहाँ पर एक छेद बना दिया, तो जैसे ये टनल टूटेगा तो वीपीएन क्या करेगा कि वो सडनली इस टनल को पूरे के पूरे इस टनल को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, और फिर वो क्या करेगा एक नया टनल क्रिएट करेगा, एक दूसरा वे क्रिएट करेगा, और यहाँ से आपके पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर करना वो स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये वाला टनल यहाँ पे क्रैक हुआ, यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे किसी ने इसे हैक कर लिया, अब जैसे ये यहाँ पे टूटा, इस टनल में छेद हुआ, मान लीजिए सुरंग में कोई छेद हुआ, तो सडनली वो क्या करेगा इस पूरे के पूरे टनल को क्लोज कर देगा, और क्लोज करने के बाद वो एक नया टनल क्रिएट करेगा, और इस टनल से फिर आपके वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही इसका बेस्ट जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी अब आपकी बनी रहती है, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए आपके डेटा को किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगने देता, तो इसलिए आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया रखता है और आपकी प्राइवेसी को भी बनाए रखता है, और आपका जो डेटा होता है वो हाईली सिक्योर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो डायग्राम होता है, ये वर्किंग है वीपीएन की, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपको वीपीएन की एक्टिविटीज को एक दूसरे डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि कैसे ये ब्लॉग वेबसाइट को आपको एक्सेस कराता है। ठीक है, आप कैसे ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है आपके मॉनिटर पे, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पीसी है, ये पीसी, ये मान लीजिए ये यूजर का कंप्यूटर है, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो एक्स है, और मान लीजिए ये इंडिया में है, और ये, और सपोज कीजिए कि इंडिया में फेसबुक ब्लॉक हो गया है, तो ऐसे में ये बंदा चाहता है कि उसे फेसबुक यूज करना है। अब वो क्या करेगा, वीपीएन का यूज करके जैसे वो फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगा यहाँ वीपीएन सर्वर के पास जाएगा। अब वीपीएन सर्वर क्या करेगा, जो रियल आईपी एड्रेस होगा उसे चेंज कर देगा, यहाँ पर जो आईपी एड्रेस था वो था एक्स, और जैसे ही वीपीएन सर्वर पे गया तो वीपीएन सर्वर ने उसके लोकेशन और उसके आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया, तो उसने उसके आईपी एड्रेस को वाई कर दिया, और सपोज कीजिए कि उसके लोकेशन को यूएस कर दिया। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट होगी वो सीधा फेसबुक के पास जाएगी, अब फेसबुक को ये लगेगा कि एक बंदा जिसका आईपी एड्रेस वाई है और उसका लोकेशन यूएस है वो फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में फेसबुक वीपीएन सर्वर को वो यूएस वाला फेसबुक पेज एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। अब वीपीएन और आपके वीपीएन और यूजर के कंप्यूटर के बीच में एक हाईली सिक्योर कनेक्शन होगा। अब वीपीएन सर्वर ये करेगा कि उस यूएस वाले फेसबुक पेज को सीधा आपके सिस्टम में भेज देगा, यानी कि यूजर के सिस्टम तक पहुंचा देगा। अब यूजर के सामने वो यूएस वाला फेसबुक पेज ओपन होके आ जाएगा, और ना ही आपको कोई हैक कर सकता है, जैसे कि ना तो आपको हैकर कोई हैक कर सकते हैं, और ना ही आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रैक कर सकते हैं, और ना ही गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है। ये एक दूसरा डायग्राम जहाँ पे एक तरफ आप हैं और बीच में ये वीपीएन का सिक्योर कनेक्शन है, और उसके उस तरफ इंटरनेट है, तो आप जो भी एक्टिविटी इंटरनेट पे करेंगे यूजिंग वीपीएन, यानी कि सिक्योर वीपीएन के थ्रू, तो बीच में ना तो आपको गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी, ना ही हैकर कोई ट्रैक कर पाएंगे, ना ही ISP, और ना ही से। ये जो डायग्राम है, आई होप कि इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए वीपीएन के बारे में। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और आप इंटरनेट से किसी भी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो जहाँ पे वीपीएन बीच में, यहाँ पे मिडिल में वीपीएन है, वीपीएन क्या करेगा, सोर्स यानी कि सेंडर से लेके डेस्टिनेशन तक, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो एक, ये जो रेड कलर की आप जो बॉर्डर देख रहे हैं ये एक सिक्योर लाइन है, ठीक है, सेंडर से लेके डेस्टिनेशन तक पूरा इस रेड कलर के एक सिक्योर बाउंड्री से वो घिरा हुआ है, और ऐसे में यहाँ पे देखिए ISPs हैं और आपके गवर्नमेंट है और यहाँ पे हैकर, ये तीनों ही चीज़ें आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप एक सिक्योर कनेक्शन से घिरे हुए हैं जो कि हाईली इनक्रिप्टेड है।
और सेम वर्किंग यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम भी दिखा रहा है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, बीच में वीपीएन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो बीच के जो कनेक्शंस हैं इंटरनेट से और आपके सिस्टम के बीच में वो हाईली सिक्योर होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं और ना ही उन्हें कोई हैक भी नहीं कर पाता। तो ये कुछ डायग्राम थे वीपीएन की एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए। आई होप कि आपको इसे समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्री वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप वीपीएन की सर्विसेज को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। अगर आप फ्री वीपीएन की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो टनल वियर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे है वो है टनल वियर। टनल वियर एक तरह का वीपीएन टूल है जिनकी वजह से हम वीपीएन की सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमें सबसे बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रैकिंग के खतरे को भी कम कर देता है। टनल वियर का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपल अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाना होगा, सिंपली आपको टनल वियर टाइप करना होगा, उसके बाद आपको इंटर मार देना होगा। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगा, यहाँ पे जो पहला एक्सटेंशन देख रहे हैं ये टनल वियर एक्सटेंशन है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउजर पे। और इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ साइड में आपके एक टनल वियर का एक आइकॉन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा और जिससे आप आसानी से टनल वियर की सर्विसेज टनल वियर के थ्रू आप वीपीएन की सर्विसेज का मजा ले सकेंगे। नंबर टू पे आता है डॉट वीपीएन। डॉट वीपीएन का आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये भी एक तरह का एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे एज टनल वियर वीपीएन, और दोनों ही एक टूल हैं जो कि दोनों ही एज एक्सटेंशन आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउजर पे इन्हें एज एक्सटेंशन के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और जिनसे आप वीपीएन की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। ये भी सिक्योरिटी के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पास 700 सर्वर और 10 वर्चुअल लोकेशन है जिनमें आप आसानी से स्विच कर सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें बैंकिंग सेक्टर में जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज की जाती है उससे दुगनी इंक्रिप्शन टेक्निक इस डॉटनेट वीपीएन में यूज की जाती है और ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ टनल वियर की अपेक्षा तो ये वाला बेस्ट माना जाता है। तो आप ये एक्सटेंशन आप यहाँ से इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज का आप मजा ले सकते हैं। तीसरे वीपीएन टूल्स की बात करूँ तो वो है हॉटस्पॉट सील्ड। ये भी सेम एज अ प्रीवियस जो भी वीपीएन टूल थे उनकी तरह ये भी काम करता है। ये भी आपके डेटा को सिक्योर रखता है, आपके जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हाइड रखता है, कोई उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता, कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक नेटवर्क पे भी अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तब भी, अगर आप इसके हॉटस्पॉट सील का यूज़ कर रहे हैं तब भी वहाँ पे आपके हैकिंग के जो चांस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, कोई भी आपको हैक नहीं कर सकता। डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ से आप जो भी आपको यूज़ करना है आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हॉटस्पॉट वीपीएन को आप, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जेनवेयर भी एक तरह का फ्री वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कराता है। यह न सिर्फ सभी तरह के ट्रैकर्स को लॉक कर देता है बल्कि आपके पब्लिक नेटवर्क को भी सिक्योर रखता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह की ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसे भी खासतौर पर वीपीएन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे लोग इसे ट्रस्ट करते हैं और लोग इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो आप भी आराम से जेनवेयर को यूज़ कर सकते हैं अगर आप वीपीएन सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो। नंबर पाँच पे है, ये है बेटर नेट, और ये भी एक तरह का फ्री वीपीएन टूल है और जिसकी मदद से आप आराम से वीपीएन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। और ये भी हाईली ट्रस्टेबल होता है, हाईली सिक्योर रहता है, इनक्रिप्टेड होता है, जो कि आपको ट्रैकिंग या हैकिंग से आपको बचाता है। और इसकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो ये है कि इसे यूज़ करने के लिए आप किसी भी तरह का लॉगिन या साइनअप फॉर्म बनाने की या भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पे जाके आप आसानी से अपनी एक्टिविटीज जो भी है आप से पूरा कर सकते हैं, आपके जो काम है वो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट एक्सेस करना है तो आप इसके थ्रू आसानी से देख सकते हैं, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वॉक्स वीपीएन प्रॉक्सी, आप इसकी भी हेल्प से अपने आप को हाइड कर सकते हैं, आपकी आईपी एड्रेस, आपकी लोकल, आप अपनी आईपी एड्रेस और अपने लोकेशन को हाइड कर सकते हैं और किसी भी ब्लॉग कंटेंट को भी आप एक्सेस कर। कोई ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो मैं जिसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो है ओपेरा ब्राउज़र। जी हाँ, अगर आपको वीपीएन की सर्विसेज को यूज़ करना है तो ओपेरा ब्राउज़र आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह के प्लगइन एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ओपेरा ब्राउज़र में इनबिल्ट वीपीएन की सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद होती हैं, यानी कि इनबिल्ट वीपीएन जो एप्लीकेशंस होते हैं इसमें इनबिल्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको अपना ओपेरा ब्राउज़र ओपन करना होगा। यहाँ पे
आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाने होंगे, यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकेंगे VPN, यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना होगा, इस चेकबॉक्स को आपको इनेबल कर देना होगा और अब आप की जो VPN की जो सेवाएँ थी, जो सर्विसेज थी, वो एक्टिव हो जाएंगे। और इसके बाद आप किसी भी पेज का आप यहाँ पे खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में देखिए VPN, यानी कि अब आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो थ्रू द VPN जाएगी। इससे आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मैं जब भी मुझे कुछ इस तरह का काम करना होता है तो मैं ओपेरा ब्राउज़र को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके साथ इनबिल्ट VPN की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर दीजिए, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अगर जब भी आपको इस तरह का काम करना हो, ब्लॉग वेबसाइट को एक्सेस करना हो, तो आप मेरा जो माय पर्सनल जो है, अगर आप सजेशन चाहेंगे तो ओपेरा ब्राउज़र इज़ द बेस्ट। और नहीं तो इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे VPN बता चुके हैं, आप उनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो नंबर दूसरा, जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है मेरे पास यहाँ पे Kaspersky सिक्योर कनेक्शन। मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, जब अभी हाल ही में मैंने Kaspersky एंटीवायरस लिया था तो उसके साथ में एक टूल्स भी है जिसका नाम है Kaspersky सिक्योर कनेक्शन। जी हाँ, जब मैंने Kaspersky एंटीवायरस खरीदा था तो उसके जब मैंने उसे खरीदा था और जब मैंने उसे इंस्टॉल किया तो उसके साथ एक छोटा सा एप्लीकेशन टूल था, वो था Kaspersky सिक्योर कनेक्शन। ये भी एक तरह का VPN है और ये हालांकि Kaspersky बेस्ट एंटीवायरस में से आता है और उसने अगर इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि Kaspersky ऑलरेडी एक ट्रस्टेबल एंटीवायरस है। तो ये आप देख रहे हैं सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। आपको जब भी VPN की हेल्प चाहिए तो आपको बस इस पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद ये 2-4-10 सेकेंड के अंदर आपका VPN पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और ये आपको, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए पावर्ड बाय हॉटस्पॉट सेल, यानी जिस VPN की मैंने बात की थी तो ये उसका टाई अप है हॉटस्पॉट सेल से और Kaspersky का, तो वहाँ से वो VPN की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए ये जो VPN देख रहे हैं, यहाँ से आप स्टार्ट हो गए आपकी VPN की सर्विसेज, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोकेशन है वो हांगकॉन्ग, और जो हमारा IP एड्रेस होगा वो हांगकॉन्ग से किसी सर्वर का होगा। बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि हमें यहाँ पर देखिए सिर्फ 200 MB तक, यानी जैसे ही 200 MB डेटा पूरा होगा ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है, डेटा लिमिटेशन है कि 200 MB तक और उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ फ्री VPN जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमें VPN क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है VPN, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो जहाँ पर डेटा की चोरी होने का और हैक होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप VPN का सहारा ले सकते हैं। ये आपको किसी भी तरह के ट्रैकिंग से बचा देता है। और आजकल ये देखा जाता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया जाता है। मान लीजिए यूट्यूब ब्लॉक है वहाँ पे और आपको कुछ स्टडी करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो अब आपको तो नीड आ गई कि आपको यूज़ ही करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसे बैन कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्लॉक वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे भी VPN आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप यूजिंग VPN यू कैन इजीली एक्सेस द ब्लॉक वेबसाइट। तो आप VPN की मदद से उस ब्लॉक वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा भी होता है कि कई सारी जो कंपनियाँ होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती हैं कि कौन सा बंदा ऑफिस के टाइम में क्या क्या कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर किस तरह के टास्क कर रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनीज भी आपको ट्रैक ना कर पाए कि ये बंदा ऑफिस आवर में क्या करता है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करता है, ठीक है, तो आप इसके लिए भी VPN यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको VPN का यूज कर सकते हैं। आपको कोई ट्रैक ना करे तो उसके लिए भी आप VPN का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया में रह के आप किसी अदर कंट्रीज़ के सर्वर से कनेक्ट होकर कोई पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो सेम टास्क VPN भी करता है। वो तो इंडिया में, पर वहाँ पे दिख क्या रहा है कि पर्टिकुलर किसी US के सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो ऐसा हो तो VPN की वजह से आप ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को आप छुपा सकते हैं, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए इसी तरह से कुछ नए नए मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।